अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। तो ये है एक और किस्म एलोवेरा की, और ये देखें आप दरमियान में इसके एक डंडी है ये वाली ना, तो ये डंडी के साथ ही इसके पत्ते बनते हैं, और साथ के साथ इसके डंडी के साथ से पत्ते ऐसे साइड पे फूल की तरह बना हुआ है। देखें माशाल्लाह कितनी ज़्यादा ये भी खिली हुई है, और इसके ऊपर जो कांटे हैं इतने सख्त हैं कि अगर उंगली में चुभ जाए तो काफ़ी टाइम इसका दर्द नहीं जाता ना, ये बहुत इसके सख्त कांटे हैं। दूसरी भी एलोवेरा मैंने आपको दिखाई थी, उनके इतने ज़्यादा नहीं है, इसके बहुत ज़्यादा सख्त हैं। और ये दरमियान में इसके देखें एक डंडी सी बनी हुई है, और साथ के साथ वो पत्ते इसको अटते जाते हैं, और डंडी मोटी फिर होती है, फिर उसके साथ पत्ता बनता है। और ये एस्पैरिगस का प्लांट, ये भी एक साथ ही बाल्टी में लगा हुआ है, इस पर भी मैंने वीडियो बनाई थी। और आज मैंने इस एलोवेरा पे बनानी थी कि ये देखें ये माशाल्लाह। और एक ये वाली भी एलोवेरा की किस्म है, ये देखें छोटे छोटे से इसके भी पत्ते हैं, और ये गहरी सब्ज रंग किया, और ये भी छोटे से ही गमले में लगी हुई, और ये देखें माशाल्लाह इसके ऊपर जो कांटे हैं इतने सख्त नहीं है, ये बिल्कुल छोटे छोटे से नरम कांटे हैं ना। और ये देखें ये छोटे से ही गमले में लगी हुई है, कम से कम 3-4 इंच का इसका गमला है मिट्टी का, और उसमें ये लगी हुई है। और ये देखें माशाल्लाह कितनी प्यारी, ये भी खिली हुई है। ये है कि इसके ना अंदर से ये देखें बिल्कुल रुई की तरह ये नरम नरम सी उगती है, ऐसे हाथ लगाएं तो कांटे नहीं चुभते ना, और बाद में इसके पत्ते सख्त हो जाते हैं, सख्त इतने नहीं होते जिस तरह अब उसके सख्त हैं, उसके तो बहुत सख्त कांटे हैं जो मैंने अभी अभी दिखाई है ना आपको एलोवेरा। और ये देखें माशाल्लाह कितनी खूबसूरत से ये है, इसके अंदर भी काफ़ी सारे पौधे बने हुए हैं। तो ये तो एलोवेरा आप बताने की इतनी ज़रूरत नहीं, माशाल्लाह ये तो बहुत ही मशहूर एलोवेरा है, और ये माशाल्लाह से इससे ना दवाइयाँ वगैरह भी बनती हैं, और बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। है तो वो भी एलोवेरा इसी तरह की, लेकिन उसके जेल को इतना ख़ास लोग इस्तेमाल नहीं करते, तो इस वाली एलोवेरा का जो जेल वगैरह इस्तेमाल होता है ये बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है। और इसके ऊपर फूल जो आए हैं ये मैंने अभी देखना है कि इंशाल्लाह अगर इसके अंदर बीज आया तो मैं बीज भी दिखाऊंगी, क्योंकि मैं काफ़ी टाइम पहले भी वीडियो बनाई थी और बहुत दफ़ा फूल भी उग गए हैं इस एलोवेरा पर, लेकिन ये है कि इसके ना बीज नहीं मैंने देखे हुए ना पहले, तो इंशाल्लाह इस दफ़ा कोशिश कर रही हूँ, क्योंकि इसके ऊपर कीड़ा वगैरह आ जाता है जो बीज खा जाता है ना, तो फिर ऐसे ही फूल रह जाता है या चिड़ियाँ ही तोड़ के चली जाती हैं इसका फूल। तो ये इस तरह देखें छत के ऊपर ही क्यारी बनी हुई है, और काफ़ी सारा भी फिलहाल सफाई करने की ज़रूरत है, क्योंकि पत्ते वगैरह गिरते रहे हैं, सर्दी बहुत ज़्यादा थी और इतना ज़्यादा ख्याल नहीं रखा गया। तो ये है कि इसके भी काफ़ी सारे ना ऊपर कुछ आपको धागे वगैरह भी नज़र आ रहे हैं, गुड्डे भी बच्चे आजकल उड़ाते हैं, डोरें शोरें इसके ऊपर गिरी हुई हैं। तो आज मैंने आपको दिखाया कि एलोवेरा ना एक और किस्म की एलोवेरा दो आपको दिखा दी, पहले भी मैंने एलोवेरा पे वीडियो बनाई थी। तो आज के लिए इतना ही, वीडियो पसंद आई लाइक करें, शेयर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। फी अमानिल्लाह।